सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों के जरिए इंडियन पुलिस फोर्स के हीरोज दिखाने के बाद रोहित शेट्टी अब ऐसी सीरीज के साथ अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम ही इंडियन पुलिस फोर्स रख लिया गया है। आज इसका ट्रेलर देखकर ना सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी बल्कि और भी बहुत सी दूसरी इंडियन फिल्म्स की याद आ गई, जिसकी रीजन इस सीरीज की कहानी है जो कि पहले भी बहुत दफा देखी जा चुकी है। कहानी ये है कि एक दफा फिर दहशत गर्दों ने इंडिया में धमाके शुरू कर दिए हैं और एज एक्सपेक्टेड यहाँ भी धमाके मुसलमान दहशत गर्द ही करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि शलवार कमीज और सफेद टोपी वाला करेक्टर ट्रेलर में देखा जा सकता है। इसी तरह एक दफा फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर दहशत गर्द एक मुस्लिम फैमिली में रह रहे हैं और पुलिस जब तक पता लगाती है कि जरार नाम का दहशत गर्द यहाँ छुपा बैठा था, वो वहाँ से फरार ही हो चुका होता है। अब पूरी सीरीज में इंडियन पुलिस और इन सारे दहशतगर्दों को पकड़कर इंडिया में मजीद बम धमाकों को रोकेगी। अब यही कहानी सूर्यवंशी में भी देखने को मिली, जहां इंडिया में धमाकों को रोकने और मुस्लिम दहशतगर्दों को पकड़ते हुए दिखाया गया। इवन ये हैदर और जरार वाला एंगल जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, वो भी हमें पहले मुल्क जैसी फिल्मों में देखने को मिल चुका है, जहां एक मुस्लिम फैमिली का बेटा अचानक दहशतगर्द तंजीम के साथ मिल जाता है और इंडिया में धमाके करना भी शुरू कर देता है और फिर फैमिली को पुलिस आकर बताती है कि उनका बेटा एक दहशतगर्द है जो अब फरार होकर इंडिया में तबाही फैलाना चाहता है। अब इस तरह की कहानी रोहित शेट्टी के ओटीटी डेब्यू से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। कोई नई कहानी अगर इस तरह प्रेजेंट की जाती तो मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी मिलता, लेकिन फिर भी इस पुरानी कहानी को जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया है वो तारीफ के लायक है। बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिल रहा है जो रोहित शेट्टी की पिछली फिल्मों से थोड़ा डिफरेंट भी है। बाकी गाड़ियां उड़ाना यहाँ भी उनकी पिछली सारी फिल्मों की तरह देखा जा सकता है। अब एक्शन ड्रामा के साथ रोहित शेट्टी बहुत ही इंटेंस इमोशंस भी अपनी फिल्म्स में शामिल करते आए हैं, जो कि इस सीरीज में भी बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसा कि ये डायलॉग के जंग में खून किसी का भी बहे, आंसू माँ के ही बहते हैं और सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट चीज है अपने मुल्क से प्यार, जो कि इस फिल्म की मेजर हाईलाइट है, क्योंकि पुलिस फोर्स पब्लिक की हिफाजत के लिए ही अपनी जानें कुर्बान कर रही है ताकि कंट्री के लोग महफूज रह सकें। तो ये जय हिंद वाला फैक्टर भी सीरीज को काफी सपोर्ट करेगा, इसलिए ये सीरीज अपनी खूबसूरत लोकेशंस, कमाल का एक्शन और रोहित शेट्टी की पब्लिक को बांध कर रखने वाली प्रेजेंटेशन एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर देगी, लेकिन स्टोरी को डिफरेंट और यूनिक रखने वाली अपॉर्चुनिटी को रोहित शेट्टी ने हाथ से जाया कर दिया है। इस पूरी कहानी को 7 एपिसोड्स के जरिए सुनाया जाएगा जो कि 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी।